तो यहाँ देख सकते हैं कितना ऊंचा ऊपर और नीचे है, ये नीचे है और ये ऊपर है। दोस्तों कोई भी मोटरसाइकिल अगर एक्सीडेंट हो जाता है और हैंडल टेढ़ा भागने लगे तो इसके लिए आपको शॉकर, शॉकर टी, ये सभी चीज़ें सीधा करवाना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये शॉकर टी और शॉकर का शॉकर टेढ़ा है या नहीं है, वो बैंड है या नहीं, कैसे पता लगाएं, और अगर बैंड हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है तो उसको सीधा कैसे करवाना है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए ये सभी चीज़ें रखा हुआ है, पूरा कंप्लीट रखा हुआ शॉकर का, ये आई का शॉकर दोनों देख सकते हैं, ये शॉकर का टी है और तो ये टी प्लेट है, ये सभी चीज़ इसके साथ बोल्ट नट ये सभी चीज़ें लगा हुआ है। तो ये जो है गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, किसी बाइक से टक्कर हुई, चक्का में जैसे लग जाता है या फिर हैंडल में लग जाता है, किसी भी तरीके से अगर लग जाता है तो ये क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, और टेढ़ा होने की वजह से जब गाड़ी हम चलाते हैं तो बहुत ही बेकार लगता है, एक साइड भागने लगता है और हमें जल्दी से इसको सही करवाना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको दिखा दूं कि ये टेढ़ा है या नहीं, इसका शॉकर टेढ़ा है या फिर ये हैंडल का टी टेढ़ा है, दोनों में से क्या टेढ़ा है, क्या चीज़ सही करवाना पड़ेगा, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो। आप भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में फेसबुक पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अगर इसे चेक करूँगा, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये स्पेस देखेंगे, आपको आप अगर स्पेस देखेंगे तो दोनों में कितना अंतर होता है, ये देखिए यहाँ ये वाला पार्ट अगर देखेंगे तो ये नीचे पड़ा हुआ है और ये ऊपर पड़ा हुआ है, इसमें एक उंगली मेरा पार हो जाता है, चला जाता है और इसमें नहीं आता है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे इस साइड में, तो इस साइड भी आपको दिखा दूँ, ये देखिए दोनों का बराबर हम कर लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कितना ऊँचा ऊपर और नीचे है, ये नीचे है और ये ऊपर है। तो एक साइड क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है और दूसरा साइड जो है वो ऊपर चला जाता है, आगे वाला ऊपर चला जाता है। तो इसमें टेढ़ा क्या है, आखिर ये शॉकर का पाइप टेढ़ा है या फिर हैंडल का टी टेढ़ा है। तो दोनों को चेक करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से सीधा रखना होगा, इस तरीके से आपको सीधा रखना होगा, इस तरीके से जब आप सीधा रखेंगे तो आपको यहाँ से मिलाना है, ये जो देख रहे हैं ये सुराख आपको देखना है, ये सुराख देखते हुए आपको यहाँ से लेकर आगे तक चेक करना है, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है कि पाइप टेढ़ा है या नहीं। अगर इस तरीके से ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाइप टेढ़ा है या नहीं है। तो इसका जो पाइप है वो बिल्कुल सही है, सीधा है। अब इसी तरीके से मैं अगर इधर का चेक करूँगा तो इधर से भी पता चलता है कि इसका जो पाइप है दोस्तों, शॉकर का पाइप, ये बिल्कुल सीधा है, शॉकर के पाइप में कोई दिक्कत नहीं हुई। आखिर दिक्कत क्या हुआ है, जो ये एक साइड भागती है गाड़ी, आखिर क्या चीज़ टेढ़ा हुआ है, क्या बैंड हुआ है। तो इसका जब भी बैंड होता है, ज़्यादातर जो छोटा हल्का फुल्का अगर धक्का लगता है तो बैंड होता है इसका, ये टी, ये जो टी देख रहे हैं यही बैंड हो जाता है। अगर गाड़ी के इस साइड से अगर चोट लगता है, इस साइड से अगर किसी बाइक से टक्कर होती है, ये क्या होता है, चोट लगने की वजह से ये जो हैंडल का टी है ये मेचा जाता है एक तरफ से। तो इसे आप खुद से भी सीधा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे लैथ पर ले जा रहा हूँ, लैथ पर कोई एक जुगाड़ होता है जो वो लोग सीधा कर रहे हैं, इसके पास बड़ा बड़ा सांभल वगैरह होता है, वो खुद से करते हैं, तो मैं उन्हीं के पास लेके जा रहा हूँ और दिखाऊंगा कि इसको कैसे सीधा किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लैथ पर ले जाएंगे और उसको सीधा करवाएंगे। तो इसमें सीधा जो होगा ये सिर्फ सीधा होगा, ये पाइप जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, हालाँकि पाइप को मशीन पर रख कर वो चेक करेंगे, लेकिन इसका पाइप जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें सिर्फ दिक्कत हुई है, ये दिक्कत हुई है, इसी यही चीज़ जो है ऐड जाता है इस तरीके से, और ये एक साइड से जो है शोकर वो टेढ़ा हो जाता है। और उसके साथ जब भी आप सीधा करवाएंगे तो पूरा चीज़ ले जाएं साथ में, क्योंकि इसका जो सेंटर है दोनों मिलाकर देखता है, तभी ये अच्छी तरीके से सीधा हो पाएगी। Thank you.
भाई की जो वीडियो में आपने देखा ये टेढ़ा था, बेंड था, अब बिल्कुल ये ठीक हो चुका है। दोनों का ये सेंटर है, कोई ऊपर कोई नीचे था, और अब देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बराबर हो चुकी है। मैं उस साइड में भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का जो शोकर का पुल्ली है नीचे वाला, ये बिल्कुल बराबर जगह पर है। और मैं अगर इस तरीके से हिलाऊँगा भी तो देखिए दोनों ऊपर नीचे होता है। बहुत ही कम मेरे ख्याल से, थोड़ा ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये बेंच, ये भी ठीक ठाक नहीं है उतना। बाकी रात का जो मैंने वीडियो आपको दिखाया आगे, उसके हिसाब से आप देखें कि ये कितना कंप्लीट हो चुका है पहले से। ठीक है, दोनों आप देख लीजिए, मैं आपको इस साइड से भी दिखाता हूँ। तो भाई देख सकते हैं ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और ये बिल्कुल सीधा हो चुका है। थोड़े बहुत इसमें सांभर की ज़रूरत पड़ती है, साथ में इसमें जो खैरात लेत होता है उसमें भी थोड़ा जुगाड़ बनाना पड़ता है। जुगाड़ जो है सही तरीके से होना चाहिए। अगर इसे सीधा करना चाहें तो आपके पास सभी चीज़ें जुगाड़ चाहिए, तभी यह ठीक हो पाएगी। तो आगे आपने वीडियो में देख लिया कि इसको सीधा कैसे किया जाता है।